इन्होंने एक मास्क बनाया था जो मास्क गोबर से बनाया था, जिस मास्क को देखने के बाद नरेंद्र मोदी भी हक्का बक्का रह गए। वो तो आते ही सबसे पहले तो शाबाशी दिए, मेरा पीठ हो कंधे पर हाथ रखकर। कचड़े का इस्तेमाल करके इन्होंने बाघ के शेप को बनाया है, पीछे की तरफ से देखिए, उठाएंगे तो आपको एकदम हल्का सा नजर आएगा। और बचपन से इनके साथ एक चुनौती रही है कि चलने फिरने उठने बैठने या फिर गाड़ी चलाने में इनको काफ़ी परेशानी होती है। जो भी काम का चीज़ नहीं है, जो भी आपके लिए बेकार है, कचरा है, उसका इस्तेमाल करके एक से बढ़िया एक कलाकारी कर देते हैं। ये बोतल का बना हुआ है। अच्छा, बोतल का बना दिया आपने। हाथी पेन स्टेन है ये। अरे वाह, बहुत दुख होता है ये जान के कि जिनके पास इतनी अच्छी कलाकारी है उसको एक दुकान तक नहीं मिलता है, उसको एक सरकारी दुकान तक नहीं मिलता है, जबकि ये दिव्यांग भी हैं पैर से। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, 12 मई को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था, जिस रोड शो को देखने के लिए हजारों हजार की तादाद में लोग पटना में मौजूद थे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मौका मिला कि वो जाके नरेंद्र मोदी से मिल पाए। अभी जो शख्स आपको हमारे साथ में दिखाई दे रहे हैं, ये पटना की योगेंद्र जी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भेंट किया। इन्होंने एक मास्क बनाया था जो मास्क गोबर से बनाया था, और उस गोबर से सीधे नरेंद्र मोदी का चित्रण हो गया था, जिस मास्क को देखने के बाद नरेंद्र मोदी भी हक्का बक्का रह गए, खूब सारी तारीफ भी किए, बहुत सराहना किए, इनकी कला को देखें, और इनका जो भेंट था वो अपने साथ में लेकर गए। हमारे साथ पटना के योगेंद्र जी हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। भारत के प्रधानमंत्री से आप मिले, कैसे, मतलब क्या बोले वो, कैसा आपको उस टाइम में लगा? भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी से जब हम मिले तो जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहे थे मेरा दिल का धड़कन तेज होते जा रहा था, क्योंकि भाई आज पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी के सामने देख रहे हैं और पता नहीं हमसे क्या पूछेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे क्या नहीं। मेरा और दिल का जो धड़कन था एकदम धड़कता रहा था। क्या बोला उन्होंने? वो तो आते ही सबसे पहले तो शाबाशी दिए, मेरा पीठ हो कंधे पर हाथ रखकर शाबाशी दिए और बोले कि आपका न्यूज हमको पता चला था कि आप गाय का गोबर से बनाए हैं, और देखकर बड़ा ताजुब हुए कि आप पूछ भी रहे थे कि किस चीज़ से बनाए हैं, तो हमने टोटल जो जो मटेरियल डाले थे वो सब मटेरियल बता दिए उनको कि सर इस तरह से हम बनाए हैं। एक से बढ़कर एक कलाकारी करते हैं यहाँ पर योगेंद्र जी। देखिए, यहाँ बहुत सारे आपको ऐसे ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, आपको देख के लगेगा कि ये मेटल का बना हुआ है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल का, मतलब कचड़े का इस्तेमाल करके इन्होंने इस बाघ के शेप को बनाया है। पीछे की तरफ से देखिए, उठाएंगे तो आपको एकदम हल्का सा नज़र आएगा, अगर मेटल का रहता तो शायद मैं एक हाथ से उठा नहीं पाती, लेकिन एक से बढ़कर एक इन्होंने कलाकारी की है। अब इन सारी चीज़ों को देख के आपको समझ तो आ गया होगा कि योगेंद्र जी एक बड़े उम्दा से कलाकार हैं, लेकिन इसमें चैलेंज इस बात का है कि इनके पैर में जो है वो पोलियो, बचपन से ही पोलियो ग्रसित हैं, और बचपन से ही इनके साथ एक चुनौती रही है कि चलने फिरने उठने बैठने या फिर गाड़ी चलाने में इनको काफ़ी परेशानी होती है। इसके बावजूद मतलब समाज तो ये आपको एहसास दिलाता होगा कि आप कहीं ना कहीं पीछे हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ आगे नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं कर सकते हैं, कैसे अपने आप को अपने बना लिया कलाकार? देखिए, एक तो भगवान का मेरा बनाया वो जो है कि हम हैंडीकैप्ड हैं, फिर भी हम अंदर में अपने ये नहीं माने कि हम हैंडीकैप्ड हैं, और अपने हुनर को कभी छुपाए नहीं, और जो भी मेरे अंदर में काला था वो काला को उजागर हम करते गए, आगे बढ़ाते गए, लोगों को दिखाते गए, और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम देश के प्रधानमंत्री जी को अपने हाथ से बना हुआ क्राफ्ट मोदी जी को दिए। आपके हाथ में भी कुछ है, मुझे बताइए कि ज़रूर आपने किसी ना किसी कचरे प्रोडक्ट से इसको बनाया होगा, किस चीज़ से बनाया है आपने? मोबाइल स्टैंड मुझे लग रहा है ये। जी देखिए, बहुत सारे लोग अमेजोन से मोबाइल स्टैंड मांगते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, लेकिन हमने ये गाय का गोबर से ही बनाया है। अरे वाह, गिरने के बाद भी ये टूटेगा नहीं। देखिए, इसमें आराम से इसे इसमें रख सकते हैं और इसमें ऐसे भी रख के आराम से देख सकते हैं, ये गाय का गोबर से ही है। अगर दिमाग लगाया जाए तो भी क्राफ्ट जितने भी जो वेस्ट मटेरियल रहता है उससे भी हम लोग अपने घर के सजावट में ला सकते हैं। जो भी काम का चीज़ नहीं है, जो भी आपके लिए बेकार है, कचरा है, उसका इस्तेमाल करके एक से बढ़िया एक कलाकारी कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात है योगेंद्र जी की कि ये जो चीज़ें बनाते हैं वो खरीद के नहीं लाते हैं, सबका सब जुगाड़ होता है। बिहार में वैसे भी जुगाड़ की बातें आप जानती होंगे कि बिहारी से ज़्यादा जुगाड़ ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है, उनसे ज़्यादा दिमाग कोई नहीं लगा सकता। तो जब बात हम योगेंद्र जी के बारे में करते हैं तो वो बातें बिल्कुल जो है वो प्रमाणित हो जाती है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ही दिखाई दे रही होंगी, देखिए नीचे यहाँ पर कि हाथी बनाया हुआ है और बहुत बढ़िया इस पर क्राफ्ट किया गया है, पेपर मेसी से बनाया गया है।
वैसे हम तो जानते हैं योगेंद्र जी से हम तीसरी बार मुलाकात कर रहे हैं, क्यों मुलाकात कर रहे हैं, क्यों इनका वीडियो हम फिर से बना रहे हैं, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि पेपर मेसी के बारे में आप बता रहे हैं, पेपर मेसी क्या है? पेपर मेसी एक कला है जो जम्मू कश्मीर से शुरुआत हुआ है। ये न्यूज़पेपर को हम लोग पहले पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद जो न्यूज़पेपर फूल जाता है उसको बाद उसको कुटैया किया जाता है, कुटैया करने के बाद उसमें मुल्तानी मिट्टी और भी जो बहुत सारा मटेरियल जैसे गोंद हो गया, ये खली चौक पाउडर हो गया, ये सब से मिलाकर इसका क्ले बनाया जाता है। क्ले बनने के बाद जो भी आप शेप देना चाह रहे हैं कोई भी आर्ट में, जैसे कटोरी बनाना है, पेन स्टैंड बनाना है, मोबाइल स्टैंड बनाना है, कोई भी कलाकृति उसमें निकल सकता है। ये जो आपने हाथ में लिया है ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये बोतल का बना हुआ है। अच्छा, बोतल का बना दिया आपने हाथ ही? पेन स्टैंड है ये। अरे वाह, कहीं भी अपने टेबल पे इस तरह से रख दीजिए, खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और साथ में कचरे से जो है वो कमाल भी कर लेते हैं, मतलब वाकई में बहुत अच्छा लगता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका बनाया है वो मुखौटा लेकर और इनकी फ़ोटो को जो है वो साझा किया। इनके पास आपको सामने तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें ये प्रधानमंत्री के साथ नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हैं भाई, अगर किसी का ट्वीट रीट्वीट कर देते हैं या फिर अपने पेज से वो किसी का फ़ोटो शेयर कर देते हैं, वो इंसान रातों रात वायरल हो जाता है। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा कि रातों रात वही इंसान वायरल होता है जो सोशल मीडिया पर रहता है। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से दूर हैं या फिर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अपने कमरे में बैठ के, कोने में बैठ के, बिना पंखे का काम कर रहे हैं, इनकी फ़ोटोज़ को, इनके वीडियोज़ को कोई वायरल नहीं करता है, इनको कोई स्टार रातों रात नहीं बनाता है। बहुत दुख होता है ये जान के कि जिनके पास इतनी अच्छी कलाकारी है उसको एक दुकान तक नहीं मिलता है, उसको एक सरकारी दुकान तक नहीं मिलता है, जबकि ये दिव्यांग भी हैं पैर से और इनके पास उम्दा कलाकारी है, इनके पास जो दिमाग है, इस दिमाग को अगर बच्चे देखें, अगर इनसे कुछ सीखें तो वाकई में वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। योगेंद्र जी, हमें ये भी पता चला था कि आप कहीं बच्चों को सिखाया करते थे या फिर आपको एक दुकान भी मिला था जहाँ पे आपने अपना पूरा सेटअप रखा था, जहाँ पे आके लोग देख सकते कि आपने क्या क्या बनाया है, क्या क्या क्राफ्ट किया है, क्या हुआ उस चीज़ का? जहाँ पे हम क्राफ्ट सीखते थे वहाँ पे हम एप्लीकेशन देकर एक स्टॉल लिए थे, स्टॉल फरवरी में हमको दिया गया था, लेकिन पता नहीं किस कारण से हमको वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रहने दिया गया। फरवरी में लिए और 1 मार्च को हमसे खाली करवा दिया गया। 1 महीने भी आपके पास वो स्टॉल नहीं रहा? नहीं, 1 महीने भी नहीं रहा, आपका स्टॉल हटा दिया गया? हाँ, खाली करवा दिया गया। बहुत दुर्भाग्य है हमारे बिहार के लिए कि ऐसे ऐसे कलाकार को हम स्थान नहीं दे पाते हैं, मौका नहीं दे पाते हैं। अगर मौका नहीं दीजिएगा तो कैसे ये अपने हुनर को आप तक पहुंचा पाएंगे? अगर मौका नहीं दीजिएगा तो कैसे नए बच्चे इनकी कलाकारी को सीख पाएंगे? अगर मौका नहीं दीजिएगा तो कैसे ये कचरे से कलाकारी लोग समझ पाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसी ऐसी कलाकारी आपको बहुत कुछ नज़र आएगी। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरफ में एक से बढ़कर एक आपको मतलब स्त्रियाँ बनाई हुई हैं, जो अगर किसी बड़े क्राफ्ट की वाली जगह पर चली जाए, बड़े हार्ट में चली जाए, तो इसका जो प्राइस है, इसका जो कीमत है, वो आप इसके लिए हजारों पे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कलाकार जो इतनी मेहनत से इस घर में बैठे बैठे बनाते हैं, आप उनको मौका नहीं दे पाते हैं, इनकी कमाई का जरिया नहीं बनने देते हैं, इनको एक उम्मीद भी नहीं देते हैं कि आगे चलकर जो है वो आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। कोई अपील आप करना चाहिएगा लोगों से कि आप क्या मतलब चाहते हैं, कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं? जो आपके पास कलाकारी है, मेरे पास समय रहता मैं आपके पास आती और सीखती कि आपकी पेपर मेसी से आपने कितना अच्छा कुछ बना लिया या फिर अपने वेस्ट मटेरियल से आपने कितना कुछ कर लिया, तो आपसे कैसे लोग जुड़ सकते हैं, कैसे आपसे सीख सकते हैं? देखिए, जिस कोई भी बच्चा को या चाहे बड़े लोग को भी अगर सीखने का अगर मन होगा, क्योंकि कला किसी कोई ऐसी उम्र सीमा नहीं होता कि हम इतने एज में सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, कोई बंधन नहीं रहता है। कोई भी बच्चा को सीखने का होगा तो हमारे घर पे आके सीख सकते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा भी सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाइएगा? हाँ, जो बच्चा अगर पेमेंट नहीं देना चाहता है उसको भी हम सिखा देंगे, और जो पेमेंट करने लायक होगा उनको भी सिखाएंगे, बच्चों से लेकर बड़ों तक। बस आप मतलब फैलाना चाहते हैं? हाँ। अपनी कला को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, लोगों तक दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये कला ऐसे भी बनता है, जो हम लोग जो बेकार सामान को फेंक देते हैं उस सामान से भी हम लोग नया कलाकृति भी बनाकर अपने घर पे डेकोरेशन में ला सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगी कि इनके पास बहुत सारे मटेरियल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे जो बन के तैयार हैं। जैसे गिफ्ट करने के लिए हम गिफ्ट शॉप पे जाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत हम ऐसा कुछ ढूंढना चाहते हैं जो सबसे यूनिक नज़र आए, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको बड़े सारे आपको स्टॉक मिल जाएंगे जिसको आप इनसे डायरेक्टली ख़रीदारी कर सकते हैं। इनका जो नंबर है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, शुरू से हमने इनका नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया है। एक बार जाइए, बाकी कलाकारों को आपने सपोर्ट किया है, मेरे
मेरे रिक्वेस्ट से आप जाके इनको भी सपोर्ट कीजिए, इनका भी जो सामान है वो आप सेल करा सकते हैं। और सेल कराना छोड़िए, आप जो है इनसे सीख सकते हैं। अगर आप पटना से हैं और आप चाहते हैं कि कचरे से कलाकारी को सीखना, या फिर आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे उम्दा कलाकारी को कैसे बनाया जाता है ये जानना, तो आप योगेंद्र जी से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। इनका जो भी डिटेल है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी कैसे लगे योगेंद्र जी, कैसा लगा इनका कलाकारी, कैसा लगा इनका हिम्मत, कैसा लगा इनका जज्बा, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।